वो मैडम जी बोलते हैं मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको कहीं देखा। तो भाई अभी निकलते हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि ना आजकल पानी का फ्लो थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए टाइमली पहुंच जाते हैं। सो बोलते हैं अगर अगली बार हम लोग जन्म लें तो हम चाहते हैं कि हम पहाड़ों में पैदा हो। तो भैया वगैरह भी बोल रहे थे कि भाई आप ना जन्नत में रहते हो और अभी ना ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है और नीचे ना। सो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दोस्तों, काफी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आज ना बुकिंग मिल चुकी है अपने को, कल जाएंगे हम रोहतांग पास और कल दिखाएंगे आपको व्यू सारा, और आज घूमेंगे हम लोकल साइट सीन है, तो दो दिन का बुकिंग अपने पास है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको आज पूरा कुल्लू मनाली घुमाएंगे, दिखाते हैं आपको आज के नज़ारे कैसे हैं। फिलहाल अभी निकलते हैं फटाफट और मैं तैयार हो गया हूँ, बल्लू और दोनों ना नहाने घुसे हुए हैं अंदर और टाइम ना थोड़ा लेट हो गए हम लोग, एक्चुअली 11:30 हो चुके हैं, काफ़ी लेट बुकिंग मिली। सो चलते हैं अभी, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो भाई ये वो होटल है मायरा ग्रैंड रिजॉर्ट्स, तो यहाँ से अपनों को बुकिंग मिली है। सो अभी क्लाइंट को कॉल करते हैं और उनको बुलाते हैं, फिर चलते हैं आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और भाई जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, बुरी तरह पसीना निकल रहा है और दो दिन से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और वैसे भी ना आज बढ़िया हो गया, क्या हो गया कि ना आज लाइट नहीं है, आज शायद कट है, पूरे 9 बजे लाइट गई है, उसके बाद लाइट ही नहीं आई है। तो आज का दिन अपने लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि बड़ा हराम हो बेटा, कार वॉश में तो बिना लाइट के काम ही नहीं है। सो आज का कमों का काम रहेगा, तो अपने लिए बहुत बढ़िया हो गया। अभी क्लाइंट को कॉल करते हैं फिर निकलते हैं सीधे मनाली की ओर। सो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं वशिष्ठ में, जहाँ पे गर्म पानी है, मंदिर है ऊपर की तरफ, और अपन ना यहाँ पे अभी क्लाइंट अपने गए हैं ऊपर की तरफ। और भाई मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, भाई ये देखो व्यू यहाँ पे ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हरियाली देखो भाई, वाओ। और यहाँ पे ना होटल है दुनिया भर के, गेस्ट हाउस वगैरह है, लेकिन आज की डेट में ना सब बुक होते हैं क्योंकि सीज़न लगा हुआ है ना। और मैं अपना पीनट का मज़ा ले रहा हूँ, मैंने लंच नहीं किया अभी, अभी देखते हैं थोड़ी देर में, दिन के 3 बज रहे हैं, थोड़ी देर में लंच करेंगे यहाँ से निकलने के बाद। तो भाई अपने क्लाइंट भी आ चुके हैं और यहाँ ना फोटो शूट चल रहा है, वो लोग अपना फोटो वोटो खींच रहे हैं। भाई सीनरी तो मैंने आपको दिखाई थी ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और टाइम ना 4:16 हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अभी इन्होंने पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग वगैरह भी करना है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं सीधे। और अपना ना लंच भी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके अपने बीवी बच्चों के साथ करेंगे। सो फिलहाल अभी हम जाएंगे सीधे पैराग्लाइडिंग, फिर उसके बाद राफ्टिंग, फिर घूम फिर के सीधा घर की ओर, क्योंकि बच्चों ने खेलना था, तो देखते हैं एक्टिविटी तो अपने घर के पास ही है, वहीं पे करवा देंगे इनको। सो अभी निकलते हैं फटाफट। और दोस्तों बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, इसीलिए ब्लॉग आना भी मुश्किल है, क्योंकि दो दो काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने एक काम चूज़ किया था गाड़ी का, क्योंकि मैं फ्री रहना चाहता था वीडियो के लिए, ताकि हमेशा वीडियो बनाऊं। और इन्होंने ना मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैंने बोला भी नहीं, इन्होंने खुद से देखा गाड़ी में, क्योंकि मेरी गाड़ी में आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इन्होंने, वो मैडम जी बोलते हैं मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको कहीं देखा है, फिर भैया ने बताया कि एक यूट्यूबर है तो वीडियो वगैरह भी शूट करते हैं इस, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने शायद आपको यूट्यूब में ही देखा था। सो जान के ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि धीरे धीरे भाई भी फेमस हो रहे हैं। सो फिलहाल दोस्तों अभी निकलते हैं फटाफट और जाते हैं इनको करवाते हैं एक्टिविटी। कहाँ जाना है? पापा के पास जाना है। क्या हुआ, गर्मी लग रही है? हैं, गर्मी लग रही है ना। सो अभी हमने ना उनको भेज दिया है राफ्टिंग करने के लिए, और बच्चों को मेरे पास छोड़ के रखा हुआ है, और ये ज़िद कर रहे हैं कि मम्मी पापा के पास जाना है। सो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे। और इन तीनों को ना फोन देख रखा हुआ है उन्होंने, ये दोनों तीनों एक पीछे और है, तो थोड़ी देर में निकलते हैं, फिलहाल तो वेट करना पड़ेगा। सो भाई अभी निकलते हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि ना आजकल पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए टाइमली पहुँच जाते हैं। सो अभी निकलते हैं फटाफट और भैया को पिक करते हैं और यहाँ से मनाली चलते हैं वापस, और ना घर से फोन आया था सब्जी वगैरह भी लेके जाना है, तो निकलते हैं फटाफट। सो भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं और शाम के ना 6:30 होने वाले हैं,
और हल्का सा अंधेरा भी होना शुरू हो चुका है। वैसे तो 8 बजे के करीब अंधेरा होता है और यहाँ सब खाली हो चुका है, सब अपने होटल चले गए हैं, क्योंकि हमें जैसे कि आपको बताया कि सुबह बुकिंग थोड़ा लेट मिला था ना, इसीलिए शाम को लेट हो गए। और भाई कल जाएंगे हम रोहतांग पास और कल आपको दिखाएंगे पूरा व्यू, जैसे पिछली बार अधूरा रह गया था बट इस बार आपको पूरा दिखाएंगे रोहतांग पास और सिस्सू वगैरह भी दिखाएंगे। सो भाई अभी है ना पॉइंट में पहुंच चुके हैं और हमारे क्लाइंट अभी आए नहीं है, सो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। और भाई पानी देखो कितना बढ़ गया है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया पानी, वैसे इतना होता नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी थोड़ी देर में वो लोग भी पहुँचते ही होंगे। और भाई मौसम देखो भाई, मौसम ना बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम। वाह, ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे वैष्णो माता मंदिर के पास। हाँ बस यही है ना साथ में, अभी बच्चों को टेंशन हो रही है ना, मम्मी पापा की टेंशन हो रही है, अभी आएंगे थोड़ी देर में। और भाई यहाँ सामने ना कि ये बहुत ही ज़्यादा मस्त सरियाल होटल है, बहुत ही मस्त होटल है, ठीक वैष्णो माता मंदिर के पास। सो भाई हमारे क्लाइंट भी पहुंच चुके हैं। सो भाई अभी हम लोग ना यहाँ पे पहुंचे थे वाटरफॉल के पास, अभी ना अंधेरा हो चुका है और थोड़ा व्यू कम हो गया, वरना यहाँ बेचारे इनको भी इंजॉय आता, वो सामने वाटरफॉल है और अभी ना अंधेरा हो गया, इस तरफ अंधेरा इसीलिए क्योंकि पेड़ वेड़ ज़्यादा है ना, सो इस तरफ देखिए रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। वाह भाई व्यू बहुत मस्त है भाई, आज की मतलब मैं काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकला ना, मस्त व्यू भाई। हफ्ता डेढ़ हफ्ता से ना कार वॉश में ही लगा हूँ, सो आज बहुत टाइम के बाद बाहर निकला ना, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और व्यू ना बहुत ही मस्त है यहाँ से, वो देखो आगे से आपको दिखाते हैं नज़ारा। और ना अपने क्लाइंट बेचारे थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि सुबह बुकिंग लेट मिला ना, तो इनका बाकी सब तो अच्छे से हो गया, लेकिन ये जो वाटरफॉल था ना ये रह गया। चलो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम इनको फिर से बोल रहे हैं कि फिर से आएंगे, तो उस टाइम अच्छे से घुमाएंगे इनको। और भाई अपने पास जो क्लाइंट एक बार आते हैं ना वो भाई खुश हो के जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम ना जब भी आते हैं मुझे ही कॉल करते हैं। ये देखो भाई नज़ारा, वाह खूबसूरत, बहुत सुंदर है भाई। हम लोग तो ना जन्नत में रहते हैं, और भैया वगैरह भी बोल रहे थे कि भाई आप ना जन्नत में रहते हो, और अभी ना ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है और नीचे ना लोग गर्मी से पागल हो रहे हैं, अपन यहाँ भाई जन्नत में मज़ा लूट रहे हैं। और भाई ये लोग ना बहुत उदास हो गए क्योंकि कल शाम को इनकी बस भी है, तो इन लोगों ने वापस भी जाना है। सो देखिए बोलते हैं अगर अगली बार हम लोग जन्म लें तो हम चाहते हैं कि हम पहाड़ों में पैदा हों, भैया ऐसा बोल रहे थे। सो हम लोग किस्मत वाले जो यहाँ मनाली में पैदा हुए हैं। सो अभी देखते हैं उन लोगों के बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो गए। चलो चलते हैं अभी वापस निकलते हैं। ये लोग पूरा मजा लूट रहे हैं अपना। अब नीचे फोटोशूट चला हुआ है, राउंड एंड राउंड पापा। सो भाई हम लोग ना घर में पहुंच चुके हैं और अपन कपड़े वपड़े चेंज करके बैठ गया हूँ, और अभी ना बहुत ज़्यादा थक गया आज, और अभी खाना बन रहा है, खाना खा के सज जाएंगे। और भाई आना पठान मूवी लगी हुई है, सो पठान मूवी का मज़ा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और कल सुबह वाले ब्लॉग में हम लोग जाएंगे मनाली रोहतांग पास। सो अभी क्या बना रही हो आप? चिकन पकौड़ा स्पेशल, ये पापा के लिए बनता है। देखो कैसे आया, तो भाई ऑब्वियसली आने के लिए बनेगा ना। देखो 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 कैसे आया। हाँ, पर मुझे एक बात कहनी थी।
हूँ क्या प्यारे? सब लोग बड़े बार मेरे पति की तारीफ करते। Why? अच्छा तो हूँ मैं, बस मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं मेरी तारीफ करते, बाकी सभी करते हैं। क्योंकि आप तो पर्सनली नहीं जानते ना। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको मेरा नेचर कैसा लगा, अच्छा या बुरा। सो फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, फ्रेश ब्लॉग में। सो दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। Thank you.